नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के लिए 10 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ और भिंड से फूल सिंह बरैया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट है जिसमें 10 नामों पर मुहर लगाई गई है और भिंड से फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, विंध्य से 2 सीटों का ऐलान किया गया है जिसमें सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और सीधी से कमलेश्वर पटेल के नाम पर मुहर लगाई गई है। मंडला की बात करें तो ओंकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, देवास से राजेंद्र मालवीय, धार से राधेश्याम मुवेल, खरगोन से पोरलाल खरते और बैतूल से रामू टेकाम को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी थी जिसमें मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, जहां विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाया गया था। 5 सीटों छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और धार के लिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। इधर कांग्रेस ने 10 सीटों पर मुहर लगाई है। आपको बता दें, विंध्य की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जबकि रीवा सीट को अभी होल्ड किया गया है। इस सीट पर मंथन होना बाकी है। बहरहाल सीधी से कमलेश्वर पटेल के नाम पर मुहर लगी है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनावों में सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को कड़ी टक्कर दी थी और अब एक बार फिर से लोकसभा में दोनों आमने सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।